1994 में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया था जब सरकार नरसिम्हा राव जी की थी संसद में, कि यदि कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतरा कि जो जम्मू कश्मीर का हुआ हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए, और ये हमारी प्रतिबद्धता है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात का संकल्प करती है उस समय उसका समझ नहीं आती, उसको गहराई से सोचा नहीं जाता। जब हम 370 हटाने की बात करते थे तब भी व्यंग किया जाता था, आज आपने देखा ये होता हुआ दिखा। जब वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में तो ये कहा था कि बादल छटेंगे सूरज खिलेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी जी के होते हर एक वो संकल्प जो अधूरा रह गया उसकी हम सिद्धि करने का प्रयास।